जो लीफ थे सारे गल गए क्योंकि इसको रेगुलरली पानी मिल रहे थे। रिपोर्टिंग करूँगी, साथ ही मैं इसकी केयर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हे एवरीवन, दिस इज़ मी स्वरा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं मेरी फिलोडेंड्रन होजेबोनो के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं ये है मेरी फिलोडेंड्रन होजेबोनो, कितना बड़ा हो गया है और उसकी पॉट जो है बहुत छोटा है। सो इसीलिए मैं इसको रिपोर्टिंग करूँगी, साथ ही मैं इसकी केयर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो इसके लिए मैंने एरोड पोटिंग मिक्स लिया है और जो मैं हमेशा लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसके रूट्स बहुत बड़ा बड़ा रूट्स है और आप एक नोटिस कर सकते हैं कि ये प्लांट जो है बहुत, मतलब जो रूट्स के जो गैप होते हैं ना, जो स्टेम के गैप होते हैं, दो लीफ की बीच में जो गैप होते हैं बहुत छोटा छोटा होते हैं। सो इसीलिए इसको प्रोपेगेट करना भी बहुत थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। सो आप देख सकते हैं इसकी रूट बाउंड। तो मैं इसको, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप रूम के अंदर या फिर लो लाइट में आप फेरीगेटेड प्लांट रखना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि ये प्लांट की जो फेरीगेशन है ये चला नहीं जाता अगर आप उसको लो लाइट में भी रखेंगे। तो अगर कभी इसकी लीफ ग्रीन भी हो गया है बट में अगर आप उसको थोड़ा लाइट में रखेंगे तो इसकी जो फेरीगेशन है वापस चले आते हैं। दूसरे फेरीगेटेड प्लांट्स की तरह नहीं, अगर एक बार रिवर्टेड हो गया, मतलब ग्रीन हो गया, तो वापस वो जो फेरीगेशन होते हैं वो चले नहीं आते हैं। बहुत प्रॉब्लम होते हैं वापस फेरीगेशन लाने के लिए, लेकिन ये प्लांट बहुत मतलब परफेक्ट है, इसकी फेरीगेशन कभी भी चले नहीं जाते हैं। तो ये एक परफेक्ट फेरीगेटेड इंडोर प्लांट की ऑप्शन है अगर आप रखना चाहते हैं आपके रूम के अंदर लो लाइट में। इसको केयर के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए, बस आप उसको थोड़ा फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। अगर फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो इसकी जो लीफ है होगा वो छोटा छोटा होगा। अगर आप उसको फर्टिलाइज़र देंगे, अच्छे से केयर करेंगे, एरोइड पोटिंग मिक्स देंगे, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और इसकी लीफ जो है बहुत बड़ा बड़ा होगा, बहुत ह्यूज लीफ होगा और देखने में भी बहुत सुंदर होगा। आप उसको बस मीडियम टू ब्राइट लाइट दीजिएगा, ये प्लांट परफेक्टली ग्रो करेगा, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और कुछ नहीं चाहिए। आप उसको फर्टिलाइज़र में आप उसको काव डंग भी दे सकते हैं या फिर बार में कंपोस्ट भी दे सकते हैं, आप एक्सेल्स की ड्राई एक्सेल्स भी दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। मेरे हिसाब से लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो बेस्ट होता है इसके लिए। आप कुछ भी देख सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र में, ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और इसके लिए बहुत बड़ा होगा। आप उसको एक बार ध्यान रखिए, ज़्यादा धूप में ना रखें इसको, और आप उसको ज़्यादा बारिश के पानी में भी ना रखें। अगर आप उसको रेगुलरली उसको बारिश के पानी मिल रहे हैं तो इसकी लीफ रोट हो सकते हैं। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि इसकी जो लीफ थे सारे गल गए क्योंकि इसको रेगुलरली पानी मिल रहे थे। और प्रोपेगेशन की बात आए तो इसकी प्रोपेगेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मेरी एक्सपीरियंस है मैं वो ही बोल रही हूँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ है मेरे साथ। तो अब उसको जब आप उसको प्रोपेगेट करें तो ध्यान रखें एक बात की, ताकि इसकी जो रूट्स है ना गल जाए, उसको एरोइड पोटिंग मिक्स ही दीजिए। आप उसको खाली कोकोपीट में ना ग्रो करें, उसकी जो कटिंग्स है आप उसको ना प्रोपेगेट करें खाली कोकोपीट में। सो गाइस, दिस इज़ फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।